हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिव लाइफ विद वंदना। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और फन डीआईवाई वीडियो है। और इस डीआईवाई को बनाने के लिए मैं यहाँ पर वेस्ट मटेरियल का ही यूज़ करने वाली हूँ, ताकि आप इसे आसानी से ट्राई कर सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस DIY को आप डिफरेंट वे में यूज़ कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर वेस्ट कार्डबोर्ड का यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पर इस तरह का एक कार्डबोर्ड ली हूँ, उसके बाद मैं एक प्लेट की हेल्प से उसे इस कार्डबोर्ड पे मार्क कर लूँगी और उसके बाद कटिंग नाइफ की हेल्प से इसे कट कर लूँगी। सेम इसी तरह से मैं दो और कार्डबोर्ड को इसी तरह से कट कर ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने इस कार्डबोर्ड पे कुछ इस तरह से डिज़ाइन बना लिया है और उसके बाद मैं उसे कट कर लूँगी और उसके बाद इन तीनों को मैं आपस में ग्लू की हेल्प से स्टिक कर लूँगी। इस तरह से तीनों कार्डबोर्ड को आपस में स्टिक करने के बाद मैं उसके ऊपर इस तरह का फैब्रिक स्टिक करूंगी। ये फैब्रिक कैरी बैग का फैब्रिक है, जो कि हमारे घरों में इजीली अवेलेबल होता है। तो इसे इसके ऊपर मैं ग्लू की हेल्प से स्टिक कर लूंगी। जब भी हम मार्केट में कुछ भी शॉपिंग करते हैं तो इस तरह का शॉपिंग बैग हमारे घर में इकट्ठा हो जाता है, तो इस तरह से हम उसका रीयूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं फैब्रिक को कट कर लूँगी। इसे मैं अंदर से और बाहर की तरफ से इस तरह से कट लगा लूँगी, उसके बाद ग्लू की हेल्प से इसे स्टिक कर लूँगी। इस तरह से मैं ग्लू लगाते हुए दोनों तरफ से इसे स्टिक कर लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर शेप का कार्डबोर्ड लिया है, उसके ऊपर मैं ग्लू लगाकर सेम इसी फैब्रिक को इस तरह से स्टिक करूँगी। अब मैं इसके जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट करते हुए इसे भी इस तरह से स्टिक कर लूँगी। इस तरह से ग्लू लगाते हुए दोनों पीसेस को मैं आपस में स्टिक कर लूँगी। जब ये अच्छे से स्टिक हो जाए तब मैं इस पर जेसो अप्लाई करूँगी। तो इस तरह से जेसो अप्लाई करने से ये होता है कि हम इस पर जो भी पेंट करते हैं उसका कलर बहुत ही अच्छे से आता है। जब जेसो की लेयर अच्छे से सूख जाए तब हम इसे पेंट कर लेंगे। तो मैं इसे पेंट करने के लिए यहाँ पर रेड, ऑरेंज और पिंक कलर का यूज़ कर रही हूँ। तो इन तीनों कलर का यूज़ करते हुए मैं इसे पेंट कर लूँगी। फ्रेंड्स, आप जब भी इस तरह के DIY रिक्रिएट करें तो आप कलर अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पेंसिल की हेल्प से कुछ डिज़ाइन बना ले रही हूँ, उसके बाद हम इसे पेंट कर लेंगे। अब मैं डिफरेंट कलर का यूज़ करते हुए इसे पेंट कर ले रही हूँ। आप यहाँ पर कलर और डिज़ाइन अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इस तरह पेंट करने के बाद मैं यहाँ पर कोन लाइनर की हेल्प से इसकी डिटेलिंग कर ले रही हूँ।
कुछ इस तरह से मैंने इसकी डिटेलिंग कर ली है। अब इसकी अंदर की तरफ मैं इस तरह की लेस को स्टिक कर रही हूँ। तो लेस को स्टिक करने के लिए मैं यहाँ पर हॉट ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर फेविकॉल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसे अंदर की तरफ स्टिक कर लूँगी और सेम इसी लेस को मैं बाहर की तरफ भी इसी तरह से स्टिक कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से लेस को स्टिक करने के बाद ये देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो अब मैं इसमें डिफरेंट शेप के मिरर को स्टिक कर रही हूँ। इस तरह से मिरर स्टिक करने से इसका लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अब मैं इस मिरर के चारों तरफ इस तरह के छोटे स्टोन को स्टिक कर रही हूँ। तो इस तरह से हमारा ये DIY बनकर तैयार हो गया है। आप इसे डिफरेंट डिफरेंट वे में यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे वॉल डेकोर की तरह यूज़ कर सकते हैं या फिर चाहें तो पूजा थाली या वेलकम थाली की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।